नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी चैनल में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेवन्थ क्लास का है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके नोट्स हैं आपके, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट, मतलब ईटिंग हैबिट के ऊपर हम डिफाइन करते हैं कौन सी चीज़ क्या क्या है। जैसे बात करते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल खाली अपना खाना प्लांट से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस प्लांट्स। लाइक एग्जाम्पल, काओ, शीप, गोट, डियर, एलिफेंट, कंगारू, जिराफ एट्सेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स अपना खाना लेते हैं दूसरे एनिमल्स को मार के, क्लियर, उसको कार्निवोरस बोलते हैं। और ये कभी भी प्लांट्स नहीं खाते। लाइक एग्जाम्पल आपका टाइगर, लिजर्ड, लायन एट्सेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज देयर फूड। मतलब जो प्लांट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आपका ओमनीवोरस बोलते हैं। ये एग्जांपल में बियर हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दी अदर एनिमल्स। वह ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरे एनिमल से लेते हैं आइदर बाय लिविंग इनसाइड या तो उनके अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, और आउटसाइड या फिर बाहर रहते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। ये वर्ड इनको याद नोट डाउन कर लीजिएगा आप। देयर बॉडी, एग्जाम्पल क्या होता है? टेप वॉर्म होता है या राउंड वॉर्म होता है? राउंड वॉर्म कहता है इनसाइड दी बॉडी, और टिक एंड लिक क्या होता है? आउटसाइड दी बॉडी रहते हैं आपके। क्लियर? जो राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म कहाँ रहते हैं? इनसाइड दी बॉडी। और टिक एंड लाइस क्या कहते हैं? आउटसाइड दी बॉडी। जू होती ना, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है स्कैवेंजर। एनिमल्स विच फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, मतलब कि जो मरे हुए एनिमल्स पर रहते हैं उनको बोलते हैं स्कैवेंजर। प्रेड बाय द प्रेड, मतलब जो सपोज करो लायन है, लायन ने डियर को मार दिया, अब डियर को मारेगा जो थोड़ा बचा हुआ रह जाता है उसको जो खाते हैं उनको बोलते हैं लाइक वल्चर, क्रो, जैकल एटसेट्रा आपका, ठीक है। हाइना भी इसमें आ जाता है आपका। क्लियर गाइस, आगे चलते हैं। हाइना बोलते हैं लकड़बग्घे को, आपने सुना होगा। नेक्स्ट कह रहा है एनिमल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज़ खाना खाएगा तो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन है उनकी रिक्वायरमेंट के लिए खाएगा, उसको खाना खाएगा ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाए। भाई मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा तो मैं लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा अपनी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं तो इसमें एनर्जी चाहिए मुझे, और ये एनर्जी मुझे कहां से मिलेगी? खाने से तो मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स, इट कंसिस्ट द, मतलब पूरी एक प्रोसेस होती है जब खाना खाते हैं उसको कैसे कैसे प्रोसेस चलता है उसके बारे में आपको बात बताता हूँ। देखिए, खाना खाया बक्कल कैविटी, उसे जब आया ओस्फोगस, हमारे यहाँ पाइप होता है उससे हम खाना अंदर तक जाता है, देन कहाँ जाएगा? मेरे पेट में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, इसको बोलते हैं एंडिंग इन रेक्टम में ख़त्म होता है, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है आपका। क्लियर? अब इसमें आया दिख रहा है आपको, ठीक है। आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका। देन नेक्स्ट कह रहा है आपका द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस आर, कौन कौन से सेक्रेट ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस करते हैं? एक तो होता है सेलिवेरी ग्लैंड्स, एक लीवर और पेनक्रियास। क्लियर? ये तीन होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। क्लियर? कह रहा है द स्टोमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। जो स्टोमक होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ये भी सीक्रेट करते हैं, मतलब निकालते हैं डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं आपका। क्लियर? द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, भाई अलग टाइप के मोड होते हैं, कोई अलग टाइप के फीड करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है खाना लेने की, हर किसी का अलग खाने का तरीका होता है, किसी को कुछ पसता है। जो जानवर होते हैं बहुत, आपने बफेलो देखे होंगे, वो घास खाती हैं, ठीक है। जो घास खाते हैं उसको खाने का तो बाद में मुँह चलाती रहती हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस होता है ताकि वो पूरा चल जाता है आपका। क्लियर? अब क्या क्या प्रोसेस है आपकी? जैसे पहला है इंजेशन, मतलब खाया, देन डाइजेशन, हमने पेट में पच गया, उसके बाद एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी में चला गया आपका। क्लियर? एसिमिलेशन एंड इजेशन, क्लियर, जो यूज़ हो गया और पार की बाहर निकाल दिया, कहते पूरा प्रोसेस होता है। खाया, पेट में पचा, एब्जॉर्ब हो गया, जो लगना था जो नहीं लगा वो बाहर निकल गया आपका। क्लियर? अब कहना डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेशन कहते हैं। लाइक स्टार्स बिगनिंग इन दी बकल कैविटी, जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका बकल कैविटी से भोजन स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टोमक, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टोमक से होता है।
द बाइल सिक्रेट फ्रॉम द लीवर, बाइल जूस जो होता है कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। द पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास, पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियास से निकलता है, क्वेश्चन आते हैं आपके बायो में, याद रखना। एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल टू कम्प्लीट द डाइजेशन, ये आपको पता ही है। आप बाइल का ज़्यादा याद रखना, बाइल कहाँ से निकलता है, लीवर में होता है। ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड टू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। देन नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव फूड है वो अब्जॉर्ब कहाँ गया था, ब्लड वेसल में गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा पूरी बॉडी में सारा खाना पहुँचता है आपका, जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अब्जॉर्ब होते हैं ना, जब खाना हमने ले लिया, जो यूटिलाइज हो गया, तो पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चले जाते हैं। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, पानी और कुछ टाइप के हमारे सॉल्ट्स होते हैं जो अनडाइजेस्ट फूड रह जाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और वहाँ से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब रेसिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी द फेसेस थ्रू द एनस, और एनस के थ्रू जब खाना नहीं पचा पाते हमारी बॉडी तो वो स्टोर हो जाता है बाहर, एनस के थ्रू बाहर हमारा निकल जाता है आपका, क्लियर। नेक्स्ट आपका द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काओ बफेलो एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स, मतलब जो चरते हैं ना, इधर से उधर चलते उगड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट, आराम से फटे खा लेते हैं, स्वेलो देयर लीफ फूड एंड स्टोर इट इन द र्यूमेन, र्यूमेन में इसको स्टोर कर लेना, बताया ना। लेटर द फूड रिटर्न टू द माउथ, वापस मुंह में आता है, एंड द एनिमल च्यूज इज पीसफुली, उसको चबाते रहते हैं ना करके, आप देखो बफेलो काओ को उस टाइप से खाने के प्रोसेस को चबाते रहते हैं आपका, क्लियर। नेक्स्ट आता है अमीबा, अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट एंड स्यूडोपोडिया, मतलब अमीबा अपना खाने से खाते हैं, दिखा के खाता है, एक छलावा टाइप से करता है ना खाने को, जैसे यहाँ कुछ रखी हुई है उसी के अंदर वो अपने आप को सोक लेगा, वो खाना खा लेगा आपका वो। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वेहिकल, फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, उसका फूड वेहिकल में होता है, इट पुश आउट फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया विच इन्फ्लू द प्रे, मतलब उसको ऐसा दिखाता है खाना खाता है, मतलब दिखावा करके खाना खा जाता है आपका वो, क्लियर। तो गाइज ये थी हमारी वीडियोस की, गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर पेडी को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।